वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारियर। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ किस तरीके से आप शैम्पू करोगे तो आपका हेयर फॉल कुछ हद तक कम हो सकता है। कई लोग शैम्पू करने में भी काफ़ी सारी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल डे बाई डे बढ़ते जाता है। तो आप जब भी शैम्पू करते हो तो ये मत सोचिए कि आपकी स्कैल्प पे शैम्पू ज़्यादा लगेगा तो आपका हेयर फॉल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। आप अपने गर्मियों का टाइम चल रहा है जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प में पसीने होते हैं, और कभी देखिएगा आपने कभी इस तरीके से फिंगर में किया होगा तो आपके नेल्स में इस तरीके से मोम टाइप का आ जाता है। ये इस वजह से होता है कि आपने अपना हेयर वॉश अच्छे से नहीं किया है। मेरे में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से हेयर वॉश किया है एंड आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यूट्री ग्लो का कंडीशनर यूज कर रही हूँ जो कि बहुत ही मस्त है एंड बहुत ज़्यादा मेरे बालों को उसने सॉफ्ट बना दिया, कहीं से भी उलझ नहीं रहा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं, ड्राई फ्रिजी हैं, तो आप ये कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। कौन सा है वो मैं दिखा देती हूँ भैया। तो फ्रेंड्स, ये है न्यूट्री ग्लो का कंडीशनर, देख सकते हो। इसका मैंने स्पा भी मंगाया हुआ है। करना है किस तरीके से आप शैम्पू करोगे तो आपका जो डर्ट है वगैरह निकल जाएगा और आपके बालों को ज़्यादा हेयर फॉल होने में बाल जो आपके हेयर फॉल हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे सिर्फ शैम्पू करने से और शैम्पू के तरीके से। और आप कंडीशनर ज़रूर अप्लाई कीजिए कोई भी अच्छी ब्रांड का। तो मैंने यहाँ पर न्यूट्री ग्लो का कंडीशनर यूज़ किया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे हेयर वॉश करना है, कौन सा शैम्पू यूज़ किया, कंडीशनर कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ एंड तक वीडियो देखिएगा। और चैनल पर नया होते जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, लुक को इग्नोर कीजिएगा। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि कैसे हेयर वॉश करना चाहिए। तो मैं नहाने जाती थी तो मैंने ये वीडियो शूट किया था, इसलिए मैं ऐसी दिख रही हूँ अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर शैम्पू लिया, आपको जो सूट करता हो वो शैम्पू लीजिएगा। तो हेड एंड शोल्डर शैम्पू ले लिया है, उसका इस तरीके से मैंने फोर पाउच लिया था, मतलब फोर पैकेट लिया था इसका, और मुझे तीन पैकेट लग गए मेरे बालों में। आपका जो शैम्पू फेवरेट हो आप वो फेवरेट ले लीजिए, जो आपके बालों को सूट करता हो। फेवरेट से ये मतलब है जो सूट करता हो। ओके, तो बालों को अच्छे से गीला करना है, फिर शैम्पू को इस तरीके से मैंने अपने हाथों पे लिया था और अच्छे से बालों को इस तरीके से लगाएंगे शैम्पू को। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बालों को रगड़ दे हो, स्कैल्प पे बार बार इस तरीके से कर दे तो आपका हेयर फॉल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने शैम्पू लगाया है आपके बालों की गंदगी साफ़ करने के लिए, तो आप बालों की गंदगी पे ध्यान देते हो, स्कैल्प की गंदगी पे ध्यान क्यों नहीं देते हो? स्कैल्प की गंदगी पे भी पूरा ध्यान दीजिए, अच्छे से रगड़िए और पूरा जो भी आपके स्कैल्प पे गंदगी जमी हुई है उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बालों की हेल्थ के लिए एंड बालों को जल्द। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा शैम्पू और ले लिया है एंड अच्छे से बालों पे लगाऊंगी। शैम्पू को इस तरीके से निकाल लिया हाथों पे फैला के, इस तरीके से अंदर से पूरे बालों में ऐसे फिंगर की मदद से स्कैल्प को रगड़ूंगी जिससे कि शैम्पू मेरे स्कैल्प के जो स्कैल्प की जो गंदगी है उसको अच्छे से रिमूव कर पाए और बाल अच्छे से क्लीन हो जाएं। जब बाल अच्छे से क्लीन हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खिले खिले से दिखते हैं एंड हेल्दी लगते हैं, आपको भी काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तो इस तरीके से साफ करना है, ज़्यादा इस तरीके से पूरा रगड़ते हुए स्कैल्प पे अच्छे से मसाज देना है शैम्पू लगाने के बाद से। ओके, और स्कैल्प में कई बार हम लोग वॉश करते हैं तो हमारे बाल ऑयली दिखते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, अच्छे से बाल साफ़ होने चाहिए। वैसा छोड़ते हो तो आपका हेयर फॉल बढ़ते जाएगा डे बाई डे। और तेल लगाते हो तो भी बालों को ज़्यादा देर तक शैम्पू करने से एक घंटे पहले आप तेल लगाओ और शैम्पू कर दो, या फिर रात को लगाओ सुबह में शैम्पू कर दो। तेल को बहुत ज़्यादा दिन तक बालों में नहीं रखना चाहिए, उससे भी आपका हेयर फॉल होता है। तो इस तरीके से मैं अच्छे से बालों को धो रही हूँ क्योंकि मेरे बाल यहाँ पे अभी साफ़ हो चुके हैं एंड दोबारा से थोड़ा सा बालों को अच्छे से वॉश करेंगे जब तक आपके बालों से शैम्पू पूरा प्रॉपर तरीके से निकल ना जाए। ओके, तो अगेन मैं एक से और लूँगी शैम्पू का, एक पैकेट और ले लिया मैंने, और अगेन क्लीन करूँगी अपने बालों को अच्छे से। ओके, अच्छे से हाथों फैला के स्कैल्प पे डायरेक्ट लगाऊंगी और अच्छे से इसको मसाज करूंगी ताकि जो रह गया हो गंदगी हमारे बालों में स्कैल्प में वो रिमूव हो जाए
तो आपको भी इसी तरीके से हेयर को वॉश करना है। और गर्मी का टाइम है तो ये सोच रहे होंगे, नहीं गर्मी का टाइम है सॉरी, तो गर्मी के टाइम में आपको बालों को एक दिन छोड़ के एक दिन वॉश कर ही लेना चाहिए। इससे आपके स्कैल्प में जो पसीने होते हैं जो आपके बालों को हार्म कर पहुँचाता है वो नहीं होगा, और आपके बाल हेल्दी रहेंगे, साफ़ रहेंगे, तो आपका हेयर फॉल भी कम होगा। तो गर्मी के टाइम में आप एक दिन छोड़ के एक दिन हेयर वॉश कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन छोड़ दो। हफ्ते हफ्ते में हेयर वॉश करना बालों के लिए अच्छा नहीं होगा, तो इस तरीके से करना है। और ज़्यादा ड्राई हो जाए, फ्रिजी हो जाए हेयर, तो स्पा ज़रूर कीजिए। स्पा की वीडियो पहले होममेड स्पा की वीडियो डाली हुई है और बहुत जल्दी फिर से डाल दूँगी। बालों में मुझे कलर करना है, इसी वजह से मैं स्पा की वीडियो नहीं डाली। एक बार कलर कर लूँ उसके बाद से स्पा करूँगी तो आप मेरे बाल भी सॉफ्ट हो जाएगा, आप लोग को वीडियो भी मिल जाएगा। कलर करूँगी उसका वीडियो भी डालूँगी ज़रूर। तो अच्छे से यहाँ पे मेरे बाल क्लीन हो चुके हैं। कैसे ये पता चल रहा है कि क्लीन हो गए, क्योंकि जो मेरा नीचे का लेंथ है उसमें भी अच्छे से झाग बन चुका है। तो अब मैं बालों को अच्छे से पानी से वॉश करूँगी और शैम्पू जब पूरी तरह से निकल जाएगा फिर हम लोग इसमें कंडीशनर अप्लाई करेंगे। कंडीशनर कैसे लगाना है चलिए वो भी बताती हूँ। तो ये है मेरा न्यूट्री ग्लो का कंडीशनर जो कि मैंने हाथों पे लिया था। हेड एंड शोल्डर से मैंने शैम्पू से बालों में शैम्पू को यूज किया था सॉरी। और ये न्यूट्री ग्लो का कंडीशनर है जो कि मैं बाद में करूँगी। बहुत अच्छा है गाइस, बहुत ज़्यादा मेरे बाल बाद में बहुत सॉफ्ट हो गए थे और बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी लग रहे थे और बहुत अच्छे दिख रहे थे। तो आप ये कंडीशनर ले सकते हो अगर चाहो तो। तो अच्छे से मैंने ये देखी, मैंने अच्छे से शैम्पू को रिमूव कर लिया है बालों से। तो मुझे हेड एंड शोल्डर शैम्पू थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है एंड सूट भी करता है और अच्छे से बालों को क्लीन भी कर देता है। तो मुझे हेड एंड शोल्डर पसंद आता है, आप भी ट्राई कर सकते हो अगर चाहो तो। तो यहाँ पे मैंने पैकेट वाला शैम्पू लिया था, एक पैकेट मेरा बच गया था, 4 में से 3 यूज हो गए थे। तो ये मैंने यहाँ पे कंडीशनर निकाल लिया है, इसका पैकेजिंग ही ऐसी है। अब यहाँ से इसका ये चीज़ निकाल दिया मैंने। अब इसका स्प्रिंग गिर गया था साथ में जब मैं इसको यूज कर रही थी, तो इसको अच्छे से खोल लीजिए इस तरीके से। देखिए यहाँ से जब मैंने इसको निकाला था तो इसका स्प्रिंग गिर गया था जो मैं रखी हूँ, बाद में मैं लगा दूँगी, जिसकी वजह से कंडीशनर निकल नहीं रहा था। तो इसको दोबारा ऊपर करके फिर से मैं कंडीशनर को ले ले रही हूँ। कितना लिया है, अच्छे से इसको फैलाएंगे, इसे डबल ले लीजिएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा जब आप कंडीशनर यूज़ कर रहे हो तो स्कैल्प पे नहीं लगाना है कंडीशनर, ये भी आपके हेयर फॉल का कारण बन सकता है। आपको सिर्फ लेंथ में कंडीशनर अप्लाई करना है, स्कैल्प पे नहीं लगाना है, क्योंकि स्कैल्प आपने अच्छे से क्लीन कर लिया, अब उसमें कोई केमिकल नहीं डालना है। ओके, इसकी स्मेल, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। थोड़ा सा कंडीशनर और लूँगी क्योंकि मुझे अपने बालों में थोड़ा और कंडीशनर की ज़रूरत थी। एक बार दबाने के बाद से इसका स्प्रिंग गिर गया है जिसकी वजह से ये नहीं दब रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में स्प्रिंग को इसकी लगा दूँगी। नहाने वाली जो बाल्टी में पानी रखा है उसी में गिरा हुआ है। तो इस तरीके से थोड़ा सा पानी लेके अच्छे से लगाऊंगी। टाइम देख के आपको 2 मिनट के लिए आपको कंडीशनर को लगा के ऐसे ही बालों में छोड़ना है। ओके, 2 मिनट टाइम देख के 2 मिनट छोड़ देना है आपको बालों में। उसके बाद से नॉर्मल पानी से आप वॉश कर लोगे, आपके बालों में जब गजब का साइन एंड सिल्कीपन सा आ जाएगा, बहुत सॉफ्ट रहेंगे बाल आपके। तो ये मैंने लगा दिया है, 2 मिनट वेट कर रही हूँ। ओके, ओके, तो चलिए 2 मिनट हमारा हो चुका है, अभी पानी से इसको अच्छे से वॉश करेंगे। तो अभी 2 मिनट हो गया और बाल गजब का सॉफ्ट लग रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट लग रहा था। आप ट्राई करोगे तो पता चलेगा, कोई भी कंडीशनर ले सकते हो बट ये न्यूट्री ग्लो का कंडीशनर बहुत बेस्ट है, तो आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देख सकते हो बालों में साइन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि शैम्पू करने का सही तरीका क्या है, आप किस तरीके से शैम्पू करोगे तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा। तो हेयर फॉल कंट्रोल के लिए शैम्पू करने का सही तरीका ये था जो कि मैंने अभी यहाँ पे करके दिखाया आप लोगों को। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हेयर वॉश कैसे करना चाहिए एंड कंडीशनर एंड शैम्पू लगाने का सही तरीका क्या है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ट्राई कीजिएगा, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।